आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल की क्लास ले रहे हैं और अभी तक तो मैं थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताई थी और अब मैं आपका एडवांस एक्सेल शुरू कर रहा हूं। एडवांस एक्सेल मतलब कि हम एडवांस एक्सेल को पिवट टेबल से मुझे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो चीजें मैंने पढ़ाया वो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाया है। तो हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में पिवट टेबल मींस की डेटा एनालिसिस के बारे में। तो पहले मैं कुछ डेटा ले लेता हूं जिसमें आपको बता सकता। तो पहले समझिए कि पिवट टेबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर है क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिवट टेबल को अच्छी तरह समझ जाइएगा तो आपको पावर बीआई एंड टैबलू को समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पावर बीआई टैबलू आपका पिवट टेबल का ही ये समझिए कि एडवांस है, उसी को एडवांस किया गया। उनका बेस जो है ये समझिए कि पिवट टेबल ही है। एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पे लिया है, तो अब बात करते हैं पिवट टेबल आखिर करता क्या है। पिवट टेबल का यूज जो होता है, अगर हम बात करें रिपोर्ट्स एंड डेटा समराइजेशन के लिए, मतलब कि आप ऑफिस में क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। अगर रिपोर्ट की डेफिनेशन देखा जाए तो रिपोर्ट का डेफिनेशन होता है समरी ऑफ द डेटा। तो किसी ने किसी एंगल पे डेटा को समरी ही किया जाता है, उसके बाद उसमें और भी चीजें की जा रही हो, लेकिन किसी न किसी मीडियम से, किसी न किसी लेजेंड से उसको हम समरी ही करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पिवट टेबल रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ द डेटा। एंड पिवट टेबल का यूज क्यों होता है? पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को एनालाइज करने, समराइज करने एंड रिप्रेजेंट करने के। और मैं बोलूँ आप अपने ऑफिस का 60% से अधिकतर रिपोर्ट जो है पिवट टेबल से बना सकते हैं। जी हाँ, 60% से ऊपर रिपोर्ट आप पिवट टेबल से बना सकते हैं, और 60% रिपोर्ट्स में पिवट टेबल जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता ही। सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है। चलिए इसी चीज को आज आपके आपके साथ हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, पिवट टेबल लगाने से पहले दो चीजें के फोकस करना है। पहला कि आपका डेटा क्या है। ये चीज आपके सामने जो डेटा दिख रहा है ये डेटा है हमारा एक सेल्स का, इसमें कस्टमर है, कस्टमर की हिस्ट्री है, रीजंस है, प्रोडक्ट है, और इसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितनी लगाई गई थी और एक्चुअल में कितना बिका, किस क्वार्टर में बिका, किस ईयर में बिका और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। तो पहले डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा को समझना जरूरी होता है। अच्छा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मनीष जी, हरी जी, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, मैं पूछ लूंगा। अब इसमें बात करते हैं कि हमने डेटा को समझ लिया। दूसरा, आपने पता है कि आपको सर एक बात पूछनी थी, ये डेटा कहाँ से लाए हैं आप? मैं डेटा इस कॉपी करके लाया हूँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। कॉपी करके तो लाया? हाँ, प्रोवाइड कर देंगे, ये बोलिए। ठीक, ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो एक्सेल डेटा। नहीं, वो तो पता है, लेकिन ये कि पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर मुझे इससे करना क्या। तो मुझे यहाँ पे बस ये पता करना है कि रीजन वाइज किस प्रोडक्ट की कितना एक्चुअल सेल हुआ है। बस ये भी छोड़िए, रीजन छोड़िए, मैं सिर्फ रीजन वाइज एक्चुअल और रेवेन्यू का कंपेयर चाहता हूँ। देखा चाहता हूँ कि किस रीजन में हमने एस्टिमेटेड कितना किया था। एस्टिमेटेड मैंने देखा कि भाई हाँ 200 मतलब कि 650 में बिकना चाहिए सीआरएम, बट वो 81 में बिका। 250 यहाँ किए थे बट 907 में बिका। तो ऐसे हम ये जानना चाहते हैं कि रेवेन्यूज का एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड का कंपेयरिंग चाहिए रीजन वाइज, राइट। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल।
और पिवट टेबल लगाने से पहले आप एक चीज और देख लीजिए, कि आपका जो हेडिंग है वो हेडिंग आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग आपका ब्लैंक है तो पिवट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पिवट पे ही काम करता है। एक चीज पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें एक चीज और देखना होता है कि हम पिवट बनाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करें या ना करें। तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अब इस डेटा में कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। ब्लैंक का मीन्स कि कोई पूरी की पूरी रो ब्लैंक ना हो, जैसे यहाँ पे। अब ऐसा हुआ तो क्या होता है, कंट्रोल ए पे काम करता है। कंट्रोल ए करेंगे आपका ऊपर थ्री पिवट रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। और सेम चीज आपका सॉर्टिंग और फिल्टर में भी एप्लीकेबल होता है। सो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको मैनुअली डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है तो पूरी रो की बात की है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कहीं बीच में कहीं एक जगह पे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो पूरा डेटा ही पकड़ेगा। तो पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं तो आपके सामने एक रिकमेंडेड पिवट टेबल आता है। ये आपका 2013 से मिला हुआ ऑप्शन है। वो क्या करता है कि आपके डेटा के ऊपर एनालाइज करता है और देखता है कि इसमें से कितने तरह के पिवट बन सकते हैं। उतने तरह के पिवट आपको बना के यहाँ आपको दे देते हैं। अब इसमें जो आपको पसंद है वो रख लीजिए, अगर आपकी जरूरत का है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप यहाँ नॉर्मल पिवट टेबल आप लगाए। अब इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ ओके कर दें। इसके हम आगे ये जो प्राइवेट टेबल का जो आपने ये अभी किया है, ये जिसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है ना NVT करके। हाँ होता है, शॉर्टकट के लिए क्या है ना सर, देखिए मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कौन सा ऑप्शन यूज किया ना सर। हाँ सही बोले आप। देखिए शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप एक्सेल हेल्प में F1 प्रेस करें या ऊपर जो सर्च बार होता है उसमें आप शॉर्टकट। सही बोले आप। शॉर्टकट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट आ गया। यहाँ पे आपका हेल्प खुल के आ जाएगा, लेकिन ये हेल्प ऑनलाइन है तो इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए आपको। ओके सर। इसको आप ओपन करें और यहाँ से आप देख सकते हैं सर्च में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट MS Office है, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट भी है हमारे पास। पहले दिन ही बता देता हूँ, ठीक है। और मेरा शॉर्टकट 8 सालों से यूज नहीं हो रहा है, कुछ शॉर्टकट तो मुझे याद है कुछ भूल गए। ठीक है सर, ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सर। अब इसमें हमने हमें कुछ नहीं करना है, पिवट टेबल लगाया तो एक नई सीट ऐड होगा, इस तरह का विंडो आएगा। ये आपका पिवट एरिया है, रिपोर्ट एरिया इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी फील्ड लिस्ट है। यहाँ देखिए आपके सामने सारे फील्ड के नेम आ गए जो डेटा में थे, इसलिए मैं आपको बोला था कि डेटा का फील्ड का हेडिंग कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो यहाँ ब्लैंक नहीं है, और मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मुझे चाहिए रीजन वाइज, रीजन को हमने यहाँ रो में रखा। क्यों रखा? अभी देखिए इसमें क्या है कि मैं इसको कॉलम में भी रख सकता, लेकिन कॉलम में तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने रो में रखा। और जी रीजन जो है यहाँ हमारे डेटा में कई बार रिपीटेड है, बट हमने पिवट टेबल में किया तो यहाँ वन टाइम ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड इवेंट नोड और यहाँ पे एक्चुअल इवेंट को लिया। अब यहाँ पे सम ऑफ ही है, सम ऑफ ही है, ये आपका हमारा रिपोर्ट तैयार होगा। लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा मुझे इसमें चेंजिंग करना होगा, जिससे कि मुझे यहाँ पे रीजन देना होगा REGI। अब एंटर मारने पे रीजन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सम ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यूज है, तो यहाँ पे ये जो हटा देते हमें इसको और सम ऑफ भी अंतर तो एस्टिमेटेड रिवेन्यू कर देता हूँ, ठीक है।
इस तरह से आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग किस में नहीं कर सकते, चेंजिंग आप नहीं कर सकते इसकी कैलकुलेटेड डेटा में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे रो में रखा था, बट जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल रेवेन्यू था, एस्टिमेटेड था, उसको हमने यहाँ पे नीचे रखा था। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी है। फील्ड नीचे वाला जो वैल्यू वाली फील्ड होती है, रिजर्व होती है, यहाँ पे वही आती है जिसपे हमें कैलकुलेशन करना होता है, जिसपे हमें कैलकुलेशन करना होता है, राइट। यहाँ पे एक चीज तो हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी थी। ऐसे तो नहीं भेजूंगा, फॉर्मेट करके भेजूंगा थोड़ा सा। तो जनरली हम यहाँ से फॉर्मेट करते हैं, कलर बॉर्डर शोर्डर देते हैं, बट मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कलर के डेट में आपका पीपल इंक्रीज होता है, तो आपका फॉर्मेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट हमारा पीबट का पार्ट नहीं है। इसलिए डिजाइन में जाइए, ऊपर जैसे पीबट टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे पीबट टेबल एनालाइज और यहाँ पे डिजाइन, दो नया टैब आ जाता है। तो इससे डिजाइन पे आइए और यहाँ पे देखिए आपके सारे के सारे पीबट टेबल, पीबट टेबल की डिजाइन है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है और सेम टू सेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी जब मुझे चार्ट ऐड करनी है, तो मैं यहाँ एनालाइज से जाके पिवट चार्ट भी चार्ट ले सकता हूँ, या फिर नॉर्मल जो हम यहाँ लगाते हैं चार्ट वो भी ले सकते हैं। वो पिवट चार्ट ही होता है, पिवट से कनेक्टेड ही होता है। अब ये जो यहाँ चीज आ रही है, एज यहाँ पे आ रही है, उसको रिमूव कर देता हूँ मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके, हाइड ऑल फिल, और इसको आप जो है यहाँ से पिवट टेबल के डिजाइन में जाए। बहुत सारे पिवट टेबल के डिजाइन है, वो आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट भी है, जैसे हमने इसको लेआउट ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। अब मेरा रिपोर्ट तैयार हो गया। अब इस रिपोर्ट को मुझे जहां भेजना है वहां हम भेज सकते हैं। तो पिवट टेबल का यूज होता है, तो इससे क्या पता चला, हमें पता चला कंपेयरिंग बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। जैसे कि हम यहाँ देखे एशिया पैसिफिक में एस्टिमेटेड कम था, बट एक्चुअल हमारा ज्यादा था। एक्चुअल और एस्टिमेटेड का कोई ज्यादा अंतर नहीं, बट यूरोप में कुछ ज्यादा ही अंतर है, और मिडिल ईस्ट में भी है अंतर, और आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी थोड़ा सा अंतर है, और साउथ अमेरिका में नॉर्मल अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है सर? बिल्कुल। तो कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं, अब यहाँ पे रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी जान लीजिए, हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाने का पर्पस क्या होता है? बॉस ने बोला मेल कर दीजिए, तो आप क्लाइंट को देना होता है सर, जब भी क्लाइंट को मेल करना होता है, क्लाइंट को रिपोर्ट आवरली देना होता है, तो आप क्लाइंट को मेल करना होता है तो ड्यूटी है। लेकिन आप हमेशा इस चीज को सोचिए कि आखिर हमें उसे मतलब कि इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर क्लाइंट ने इस रिपोर्ट को देखा तो क्या बेनिफिट, समझे? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि मेरे बॉस ने मुझसे हेड काउंट मांगा कि सुजीत मुझे डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट दे दो। मैंने उससे नहीं पूछा कि बॉस क्या मैंने किस काम के लिए चाहिए, तो क्या हुआ, मैं डिपार्टमेंट में निकाल के दे दिया। तो हुआ क्या कि फिर मुझे फोन किए, यार सुजीत यार इसमें सिटी भी दे दे। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ बॉस सर, मैंने कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या बताइए ना, उस हिसाब से एक बार निकाल के देता हूँ आपके जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हर एम्प्लॉई से एक एफएनएस साइन करवाना है, मतलब कि एक नहीं सिक्योरिटी को चेंज, सिक्योरिटी वार्निंग को चेंज हुआ था, हमारा कुछ रूल चेंज हुआ था, तो एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना है हर एक एम्प्लॉई से। तो बॉस ने पहले सोचा कि मुझे अगर पता चल जाए कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो उनके एचओडी को मैं उतना ही स्टाम्प पेपर भेज दूं। लेकिन उनको इनको ये दिमाग में नहीं आया कि हमारे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, एक ही डिपार्टमेंट तीन जगह पर बैठता है। तो उनको प्रॉब्लम हो गई कि भाई मैं अगर दिल्ली वाले को दे दूंगा तो फिर दिल्ली वाला मुंबई को भेजेगा नहीं भेजेगा, तीनों अलग अलग है, समझे? तो फिर मैंने उन्होंने अगर ये बात मुझे पहले बता देते मुझे वो,
तो मैं उनको इसी हिसाब से बना के भेजता कि डिपार्टमेंट वाइज सिटी वाइज हम पूरी लिस्ट बना के दे देते, तो उनको सही रहता क्वेरी करने में। उतने स्टाम्प पेपर मुंबई में 10 है तो 10 उन्होंने स्टाम्प पेपर सेंड कर दिया, पुणे में 20 है तो 20 सेंड कर दिया। आप बोलोगे कि सर फिर स्टाम्प पेपर तो कंपनी वहां परचेज कर सकती है, लेकिन जहां से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी स्टेट की स्टाम्प चलता है सर। तो इसलिए आपको रिपोर्ट का पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है, ताकि आप अपना एफर्ट लगा सके और अपने हिसाब से विजुलाइजेशन दे सके। ये जरूरी होती है। रिपोर्ट हम क्यों बनाते हैं? इजी टू कंपेयर। कोई भी रिपोर्ट बनती है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन किसके लिए? कंपेयर करने के लिए। हम कोई भी रिपोर्ट के जरिए अगला पिछला कंपेयर ही करते हैं। समझे सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रिपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टोटल हमें चाहिए मान लीजिए कि एक्चुअल। तो मैं यहां से एक और पिवट इंसर्ट करता हूं, और यहां पे मैंने रीजन को यहां रखा और प्रोडक्ट को रखा कॉलम में, और फिर मैं एक्चुअल को रखा यहां। हालांकि यहां मैं रेवेन्यू भी रख सकता हूं, मैं रेवेन्यू इस बार नहीं रख रहा हूँ, मैं एस्टिमेटेड नहीं रख रहा हूँ, एक्चुअल रख रहा हूँ। किस तरह से? कल मैंने फोन किया था, कॉलम वाइज एंड रो वाइज हमारे पास डेटा बन के आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए कि हमने प्रोडक्ट को कॉलम में रखा है, रो को रखा, ताकि रिपोर्ट इस तरह से मैट्रिक्स रिपोर्ट इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स रिपोर्ट में बन गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉलम में हम उसी फील्ड को डालेंगे जिसका काउंट थोड़ा सा कम है। अब जिसका काउंट ज्यादा होगा उसमें दिक्कत होगा, जैसे मैंने कस्टमर को उठाया और रख दिया। अब देखिए कस्टमर के काउंट कितने ज्यादा है ना, अब इसको नेविगेट करने में दिक्कत हो रहा है ना सर, क्या? इसलिए ऐसे फिगर को ना रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर हम अपने पास ज्यादा हो तो आप ये रखेंगे कैसे? तो उस केस में यहां आप हम रीजन के नीचे सब हेडिंग दे देंगे। ठीक है, एक सुन दीजिएगा, एक बच्चा परेशान कर रहा है, मैसेज कर दिया उसको भी इमेज भेज देता हूं। तो ये आ गया। अब इसमें एक फायदा क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे देखिए इस तरह से बन के आया, तो हम यहाँ इनवाइस में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कोलैप्स और एक्सटेंड होगा। या यहाँ से मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ से कोलैप्स कर सकता हूँ। तो जो बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी तो उसमें फायदा क्या होगा कि हम इसको इस तरह से कोलैप्स कर देंगे, तो मैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपैंड होकर दिख जाएगा रिपोर्ट, जिसका हमें देखना है हम उसी पे क्लिक करेंगे।
समझे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये रिपोर्ट तो हम भेजेंगे, इस तरह की फैसिलिटी तभी होगा जब हम रिपोर्ट एज ए पीपल टेबल में भेजें। लेकिन जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसे काम होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत ये होगा कि इस तरह की चीजें जब कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो एक ही फील्ड में हमारा एरिया भी आएगा, रीजन भी आएगा और प्रोडक्ट भी आएगा। इससे समझना मुश्किल हो जाएगा कौन रीजन है कौन प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि पहले कॉलम में मेरा रीजन हो, दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट हो और तीसरे कॉलम में मेरा बाकी जो नंबर ही हुआ। कैसे करें, उसके दो उपाय। एक तो है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें, पिवट पे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे मर्ज सेंटर्ड विथ लेबल कर दें। माफ कीजिए हमने गलती गलत कर दिया, दिमाग मैसेज होता है, बहुत मैसेज करना लगता है, उसको रिमूव किया। पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ डेटा पे आते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में यहाँ एक क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट है। जी हाँ, राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले और यहाँ क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट दिखेगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग कॉलम में चला जाएगा। दूसरा कि मैं पिवट टेबल के डिजाइन में चला जाऊं और रिपोर्ट लेआउट के अंदर में आप यहाँ टेबलेट फॉर्म या आउटलाइन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दिखेगा। अब इसमें जो टोटलिंग है यहाँ पे जो दिख रहा है ये हटाना चाहते हो, जो टोटल है ये हटाना चाहते हो, राइट क्लिक और यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए। सॉरी यहाँ राइट क्लिक सब यहाँ पे सब टोटल रीजन कर दीजिए, हट जाएगा। हट गया। दूसरा मैं चाहता हूँ कि अभी भी प्रॉब्लम है, जब कॉपी करके ले जाऊंगा तो ये ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक होगा तो दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ कि नीचे तक इस तरह से रिपीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूंगा लेआउट में ही देखेंगे रिपीट और आइटम लेना। तो यहाँ पे नीचे तक आपका रिपीट हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक रो चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट ब्लैंक। ओके, इस तरह की चीजें कभी जरूरत पड़ जाती है, मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव ब्लैंक लाइन एंड डू नॉट रिपीट कर सकते। लेकिन मुझे इसको मर्ज करना, तो उस केस में क्या करेंगे, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन और यहां पे हम जाएंगे मर्ज सेंटर विथ लेवल, मर्ज सेंटर विथ लेवल, ये हमारा मर्ज है। ठीक है, इस तरह से हम मर्ज कर सकते। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि एलसीआर फिजिक में स्पेसिफिक में प्रोडक्ट 4 का 10422 आया, अब मुझे देखना है कि कहाँ से आया है। जस्ट डबल क्लिक कीजिए, एक नई सीट पे आपका पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए। क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक किसी पे कीजिए। मुझे मान लीजिए कि मुझे इसका चाहिए, इसका प्रोडक्ट 3 का साउथ अमेरिका में, डबल क्लिक किया आ गया। तो डबल क्लिक करते एक नए सीट में डेटा को फिल्टर हो, कभी इस तरह से डेटा सेपरेशन का काम करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी है इसमें क्या, कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने डबल क्लिक करते हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि गलती से डबल क्लिक करेंगे और नई फाइल में चल जाती है। तो उसके लिए पिवट टेबल ऑप्शन में आए और यहां डेटा पे आपको दिखेगा एनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक कर दीजिए, एनेबल शो डिटेल इसको अनचेक कर दीजिए। अब मैं इसमें जैसे मेरा डेटा नहीं आएगा, हेलो भुवन जी, रिया जी, कोई डाउट इसमें, जो ज्योति जी सॉरी, नहीं नहीं कोई डाउट नहीं।
सर आपने इसमें लगाया डबल क्लिक हटाने के लिए आपने डाला, फिर वापस से लगाना हो तो हटा दीजिए वापस, जहां से आपने चेक किया उसको अनचेक कर दीजिए, अनचेक किया उसको चेक कर दीजिए। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है सर, क्लियर है? टेबल यूज क्यों हो रहा है? क्लियर है ना सर? तो अब यहां पे बात आती है कि पिवट टेबल स्टोर, पिवट टेबल को थोड़ा सा धीरे धीरे सीखो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है इसको थोड़ा सा धीरे धीरे खाना तो वहां बोल दो। हाँ। मेरा आईडी यही है ना ज्योति जी? हाँ सर, अनुपम ऊपर वाला, अनुपम ज्योति नहीं, ऊपर ऊपर अनुपम, यस ये हो गया। भुवन जी आपकी क्या है? भुवन जी आपकी मेरी ईमेल देंगे थोड़ा सा? B H U V for victory वाला, A N A N dot Pandey, P-A-N-D-E-Y, Pandey, 69@gmail.com. सर जब कोई हम SQL से डेटा उठा के लाते हैं एक्सेल में, एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट आता है, उसमें हम पिवट टेबल लगा सकते हैं? जरूर, वो डेटा कनेक्टिविटी में सिखाएंगे आपको, हम डायरेक्ट SQL से पिवट लगा लेंगे, हमें डेटा एक्सेल पे लाने की जरूरत ही नहीं। इसमें आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, पिवट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप जो है इसकी जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है ये कंपनी। जी हाँ, जी हाँ। और ऐसे भी आप अपने आपके ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ब्रांड में काम आते हैं ना, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी चीजें लगाएंगे किस पे, जो रूटीन आपका रिपोर्ट होगा जो डेली आपको भेजना है 8 या 10। देखिए कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट होते जो बहुत हमेशा मांग देते हैं, उसके लिए पिवट ही लगाते हैं। सर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, हमें हर दिन मेल आता है राइट, उसमें कुछ एक कॉलम कुछ एक रो एक ही रहते हैं सारे मेल में, बट वन बाय वन एक एक मेल को हम खोलते हैं और उसे वन बाय वन हम फील करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा टेबल नहीं लगा सकते जो वहां से हम क्लिक करें इसमें सेव हो जाए? नहीं, ठीक है, मैंने फाइल भेज दी है कल। सर वो आपने दिन में फोन नहीं किया टैबलेट के लिए, मैं सोचा आप फोन करेंगे, मैं आपने कहा था कल बात करते हैं 2 बजे, मैं वेट करती रह गई। जी 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 ओके।